सो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी कोई भी फ्रेंड आपके पास फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट भेजता है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। वो फ़ोटो वीडियो अपने आप डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड होने के बाद अपने आप गैलरी में भी चला जाता है। तो इसे किस तरीके से बंद करें जो हमारा ऑटोमेटिक डाउनलोड लगता है, ये कोई सा भी वीडियो फ़ोटो है ऑटोमेटिक जैसे ही भेजता है वैसे ही डाउनलोड पर अपने आप लग जाता है बिना डाउनलोड करे हमें, तो इसे किस तरीके से ऑफ करें। तो इसे ऑफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसे ऑफ़ करने के लिए सेटिंग में चले जाना है, अपने सेटिंग कह रहा हूँ मैं, थ्री डॉट पे क्लिक करके जो हमारा सेकंड जो लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग का, इस पे चले जाना है। जाने के बाद हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसका नाम है स्टोरेज एंड डाटा। स्टोरेज एंड डाटा पे जाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमें लास्ट में तीन ऑप्शंस दिख जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट में तीन हमारा ऑप्शंस है, इन तीनों ऑप्शन को हमें डिसेबल करना है। डिसेबल कैसे करना है तो चलिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे हमारा फ़ोटो पे सिलेक्ट होगा, आपका हो सकता है सारे पे सिलेक्ट हुआ होगा, तो इसे हमें डिसलेक्ट कर देना है, अनटिक कर देना है। यहाँ से ये सारे जो यहाँ पे हैं तीनों को हमें अनटिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वाला मेरा अनटिक है पहले से ही। तो तीनों को अनटिक कर देने के बाद सिंपली से हम बैक चले जाएंगे। अब इसके बाद कोई भी आपका फ़ोटो वीडियो कोई भी आपका फ्रेंड भेजेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। जब तक आप उस वीडियो फ़ोटो को डाउनलोड पे नहीं लगाएंगे तब तक वो वीडियो फ़ोटो डाउनलोड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप भी बंद कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना।